इंस्पेक्टर 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 साहब, एक आदमी मेरा पर्स चुरा के भाग गया है, प्लीज उसे पकड़िए। अरे मैडम जी, जितनी तेज आप थाने भाग कर आई है ना, अगर उतनी तेज आप चोर के पीछे भागती ना, तो आप उसे खुद ही पकड़ लेती। आपकी थाने के बाहर मेरा पर्स चोरी हुआ है। तो आपके कहने का मतलब है कि हमने ओलंपिक के विनर को थाने के बाहर बिठा रखा है पर्स चोरी करने के लिए? What? आप उलझी बातें मत कीजिए, मेरी कंप्लेंट लिखिए। देखिए मैडम जी, केस तो आप ही के खिलाफ बनता है। What nonsense, मेरे खिलाफ? हाँ जी, आपके खिलाफ। और तो और आपके थाने का फोन भी नहीं लग रहा था। मैडम जी, नंबर लगेगा कैसे, फोन तो परसों ही चोरी हुआ है। खुद ही सेफ नहीं है, हमें क्यों सेफ्टी देंगे? मैडम, हम लोगों को सेफ्टी देते हैं, चीज़ वो क्या है, वो तो हाथ का मैल है। Excuse me, पर मेरा पर्स हाथ का मैल नहीं था, 1,25,000 रुपए का था वो, टॉल्चे एंड गबाना का, मेड इन इटली। आप हमें इतना बताइए कि आप इतना महंगा पर्स लाई कहाँ से? दुबई से। ओहो, दुबई से? मतलब आप दुबई जाती हैं तो आपका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मेरी खुद की ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा जी, खुद का तो बिजनेस करती हैं और औरों से भी करवाती हैं। स्कैंडल पे स्कैंडल। आप जबरदस्ती इसे दुबई से कनेक्ट कर रहे हैं? हमारा मतलब है मैडम, आप कबूतरबाजी करती हैं। नॉनसेंस इज दिस कबूतरबाजी नाउ। कबूतरबाजी का मतलब है बिना वीजा के लोगों को दूसरे देश भेजना। सब समझता हूँ मैं आप जैसे लोगों को। God spare me, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अपने पर्स में सीसीटीवी कैमरा लगा दूंगी और पर्स से क्या, हर चीज इंडिया से ही खरीदूंगी। और तो और ये भी भूल जाऊंगी कि दुबई नाम का कोई शहर भी है दुनिया में। थैंक यू।